अटल के अपमान का मोदी का बदला पार्ट टू आया। ये मोदी का भारत है, अपमान पर एक एक हिसाब होगा। कंधार के दुश्मन को डोभाल ने सही पते पर पहुंचा दिया। नाम है अजीत डोभाल, शांत रहते हैं, ज्यादातर वक्त काले रंग का चश्मा पहनते हैं। क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या प्लानिंग है, इसकी भनक इनके पास वाले व्यक्ति को भी नहीं लग पाती। डोभाल के हाथों में आमतौर पर दुश्मनों की लिस्ट होती है। अजीत डोभाल की दुश्मन लिस्ट में एक नाम है मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अखुंद का। ये भारत का दुश्मन नंबर एक है। ये 23 सालों से भारत से छिपता फिर रहा है। 1 मार्च को एक कहानी बनी, ऐसी कहानी कि बॉलीवुड वाले भी ना बता पाए। 1 मार्च 2022 कराची शहर की एक गली में एक घर के बाहर एक बाइक रुकी। 2 बाइक सवार घर में दाखिल हुए, कुछ देर बाद वहां से निकले और चले गए। लेकिन इसके कुछ देर बाद पूरी गली में हड़कंप मच गया। कराची पुलिस के दफ्तरों में फोन की घंटियां घनघनाने लगी। खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों की नींद उड़ गई। कराची के लोकल इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे कांधार विमान अपहरण मामले के किडनैपर्स में से एक जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद को हमलावरों ने घर में जाकर गोली मार दी थी। ठीक उसी तरह से जैसे फिल्म टाइगर में सलमान खान दुश्मन मुल्कों में घुसकर बदला लेते हुए नजर आते हैं। कराची का वो मोहल्ला भी बदलापुर बन चुका था। वहाँ जो कुछ हुआ वो भी इसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह था। पाकिस्तान मिस्त्री की हत्या का जिम्मेदार अजीत डोभाल को मानता है, लेकिन सबूत नहीं है। 23 साल पहले कांधार के कारण भारत और अटल का सिर झुका था, लेकिन अब नहीं झुकेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के काम करने के तरीके को जो लोग समझते हैं, करीब से जानते हैं, वो लोग कराची में जहूर मिस्त्री के हमले का कनेक्शन कांधार कांड से जोड़ रहे हैं। तो इसमें किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। ये मोदी के जमाने का हिंदुस्तान है, जो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, उनकी फाइल तैयार करता है और ये फाइल हिसाब चुकता करने के बाद ही क्लोज होती है। सर्जिकल स्ट्राइक के हौसले वाले नए हिंदुस्तान की एक और फाइल कराची में क्लोज हो गई है। ऐसे हर ऑपरेशन का पूरा सच कभी सामने नहीं आ पाता। कराची में जहूर मिस्त्री की मौत भी अब हमेशा के लिए पहेली बनी रहेगी, क्योंकि क्या हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन किसने किया ये किसी को नहीं पता। और डोभाल की एक और कहानी रहस्य बन जाएगी। मिस्त्री भारत का कितना बड़ा दुश्मन था, इस बात का अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि असल में कांधार की सच्चाई क्या थी। इसके लिए हमें 23 साल पहले चलना होगा। 31 दिसंबर 1999 एयर इंडिया का विमान IC-814 कांधार एयरपोर्ट पर खड़ा था। विमान के अंदर 3 आतंकी थे, जिन्होंने 178 लोगों को बंधक बना रखा था। तब हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थीं। बंधक मुसाफिरों की जान बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया। दिल पर पत्थर रखकर किडनैपर की मांग मान ली गई। उन्हीं किडनैपर्स में से एक का नाम था जहूर मिस्त्री। मांग ऐसी रखी कि हिंदुस्तान सालों तक जख्म नहीं भूल पाया। भारत के शेर जवानों ने आतंकी मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद और अहमद उमर सई शेख जैसे आतंकियों को जेल में रखा था। इसके लिए पाकिस्तान के आतंकियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया और फिर मिस्त्री जैसे 3 दलालों ने भारत के सामने शर्त रखी कि अगर 176 यात्री सुरक्षित चाहिए तो हमें 3 आतंकी चाहिए। और फिर आतंकी मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद और अहमद उमर सईद शेख को रिहा किया गया। कांधार कांड के आतंकियों की इस रिहाई की टीस हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को रही। साल 2000 में मसूद अजहर ने जैश का गठन किया, पाकिस्तान में उसे खुली छूट मिल गई। संसद हमला, मुंबई हमला, पुलवामा हमला, इसकी साजिश में मसूद अजहर का नाम सामने आया। भारत ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित तो करवा दिया, लेकिन टीस बनी रही। इसके पहले मोदी ने यूक्रेन से हिसाब बराबर किया और अब पाकिस्तान से भी हिसाब बराबर होता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान में रहकर आतंकी मिस्त्री कारपेंटर का काम करता था और अजीत डोभाल को चकमा दे रहा था, लेकिन अब कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जब तक भारत में अजीत डोभाल जैसे अधिकारी रहेंगे, भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा और दुश्मन अपने दिन गिनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।